सनी देओल के गुड़ की मिठास रिपोर्टेडली एक लीगल नोटिस खत्म करने जा रहा है। सनी से बॉलीवुड का कोई बड़ा बैनर वापस मांग रहा है साइनिंग अमाउंट। कौन सा है वो प्रोडक्शन बैनर? क्या है सनी से साइनिंग अमाउंट वापस मांगने का रीजन? और कौन सी है वो फिल्म जिसका साइनिंग अमाउंट वापस मांगे जाने से सनी देओल के फिल्म में होने या ना होने पर लग गया है क्वेश्चन मार्क? तो बता दें कि बात हो रही है घायल रिटर्न्स की, जो हालांकि बताई जा रही थी सनी देओल की होम प्रोडक्शन, लेकिन सोर्सेस के माने तो इस फिल्म से एक को प्रोड्यूसर का कनेक्शन भी जुड़ा है, जो अब सनी से एक बड़ा अमाउंट वापस मांग रहा है। हालांकि घायल की सीक्वल घायल रिटर्न्स को लेकर अब तक न जाने कितनी ही खबरें आ चुकी हैं। रिसेंटली खबर आई कि जोड़ी ब्रेकर्स फेम डायरेक्टर अश्विन चौधरी की जगह इस फिल्म को राहुल रवेल डायरेक्ट करेंगे, लेकिन बाद में सुनने में आया कि राहुल रवेल भी अब घायल रिटर्न्स का हिस्सा नहीं है। हालांकि राहुल इस सीक्वल की स्क्रिप्ट पर काफी लंबे अरसे से काम कर रहे थे। इसी बीच सुनने में ये भी आया कि अब घायल रिटर्न्स के डायरेक्शन की कमान ओरिजिनल घायल बनाने वाले राजकुमार संतोषी के हाथों में चली गई है। लेकिन इससे पहले कि ऐसी किसी बात पर घायल रिटर्न से जुड़े लोगों का कोई कमेंट आता, रिपोर्टेडली फिल्म के को प्रोड्यूसर्स बायकॉम 18 की सनी से साइनिंग अमाउंट वापस मांगने की बात सुनने में आ रही है। पर ये सुनी सुनाई बात कितनी सही है, ये जानने के लिए जब जूम की टीम ने घायल रिटर्न्स के को प्रोड्यूसर से बात करने की कोशिश की, तो उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से आया जवाब था नो कमेंट्स। हालांकि इंटरनल सोर्सेज की तरफ से इतना इशारा जरूर मिल गया है कि अब वायकॉम ने साइनिंग अमाउंट वापस मांगने जैसा कोई स्टेप नहीं लिया है। वहीं जब इस पूरे इश्यू पर सनी देओल को SMS भेजकर कॉन्फर्मेशन लेने की कोशिश की गई, तो सनी ने उनके PR से बात करने को कहा और PR से मिला जवाब भी वही था नो कमेंट्स। वेल, जहां सनी देओल से जुड़े लोग इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं, वहीं सनी के क्लोज सोर्सेस का कहना है कि कोई सनी देओल की इमेज को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। घायल रिटर्न से रिलेटेड कई रूमर्स सिर्फ और सिर्फ सनी देओल की इमेज बिगाड़ने के लिए सर्कुलेट किए जा रहे हैं। सनी के क्लोज सोर्सेस का तो ये भी कहना है कि घायल रिटर्न्स के लिए ओरिजिनल घायल के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को ऑन बोर्ड लेने की खबर में कोई भी सच्चाई नहीं है। ऐसे में घायल रिटर्न्स को लेकर छाई इतनी सारी खबरों की सच्चाई क्या है, ये ठीक ठीक बता पाना तब तक वाकई मुश्किल है जब तक या तो खुद सनी देओल या फिर इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करते। तभी क्लियर हो पाएगा कि कहीं इन सब रूमर्स के जरिए वाकई सनी को सैबोटाज करने की कोई कोशिश तो नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।